बहुत बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर और भारत की इसमें क्या सहभागिता है विश्व पटल पर। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि भारत क्या कर रहा है कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने को लेकर और विश्व के लेवल पे पूरे विश्व परिदृश्य में भारत ने क्या सफलता हासिल की है, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। यूएस का एक डिपार्टमेंट है, यूएस का ये डिपार्टमेंट है साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का। साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का ये डिपार्टमेंट ट्वीट करता है, वो ट्वीट करता है कुछ इस तरह की स्टेट SCA ट्वीट में लिखा हुआ है और लिखा है कि ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेनिफिट्स द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क बायोटेक कंपनी कोडाजेनिक्स एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर कोलैबोरेटिंग टू रैपिडली को डेवलप ए कोविड-19 वैक्सीन स्ट्रॉन्गर टुगेदर। कितनी अच्छी बात है कि स्टेट यूएस के स्टेट गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा ट्वीट किया और इस ट्वीट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये बहुत अच्छी ट्वीट है कि भारत दुनिया में एक मिसाल बन रहा है, यूएस के साथ मिलकर यूएस गवर्नमेंट और भारत के गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि ये खबर डायरेक्ट गवर्नमेंट की नहीं है, ये खबर है प्राइवेट इस सेंस में कि यूएस की एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि कोडाजेनिक्स के नाम से जानी जाती है और इंडिया की एक कंपनी है जो सीरम इंडिया के नाम जानता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके नाम से जानी जाती है, और ये दोनों कंपनी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक वैक्सीन। ये वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। जी हाँ, जैसा आप समझ रहे हैं कोविड-19 के लिए ये वैक्सीन है और ये बनाने वाले हैं मिलकर के। आपको शायद पता होगा कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये इंडिया की कंपनी है और सीरम इंस्टीट्यूट की प्लानिंग है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ऑपरेट करती है, ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी आप शायद जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार गूगल कीजिएगा। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, बल्कि ये कहा जाए कि सबसे बड़ी कंपनी है नंबर ऑफ वैक्सीन बनाने में। इसकी वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आती है और ये ऑपरेट करती है पोलियो पे, पोलियो की वैक्सीन इसने बनाया है, डिप्थीरिया की वैक्सीन इसने बनाया है, टिटनस की वैक्सीन पे इसने काम किया है, पर्टुसिस एचआईबी बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मम्स, रूबेला, मतलब ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जिस पर इसने काम नहीं किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कस्टमर देश में नहीं, देश में तो 20% है, 80% वर्ल्ड वाइड है। तो वर्ल्ड वाइड इसके कस्टमर्स हैं और कोडाजेनिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, को डेवलपमेंट किया है, स्केलेबल मॉडल बनाया है। इसमें ये जो वायरस की जो कोविड-19 वायरस है उसके लिए एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन बनाएंगे। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन क्या होता है, मैं छोटे से उसमें समझा देता हूं, कभी इस पर दोबारा बात करूंगा बड़े वीडियो में। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का मतलब होता है इसमें वायरस तो लाइव रहता है लेकिन वायरस की वो वाली स्ट्रेन रहती है जो घातक नहीं होती ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद, और इसे प्रोसेसिंग के बाद बहुत लो ग्रेड में लेकर उसको मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है और ये वैक्सीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। तो ये एक अच्छा मॉडल है कोडाजेनिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट का और ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन पे काम कर रहे हैं और इस पर इनका काम चालू हो गया है। अब कोडाजेनिक्स क्या कर रहा है, कोडाजेनिक्स जो है ये यूएस बेस्ड कंपनी है और केवल कोडाजेनिक्स ही नहीं, दुनिया की और भी बहुत सारी देश जो हैं उनके साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। उसका उद्देश्य ये है, आप इसको इस सेंस में समझिए कि भारत का की एक कंपनी, अभी गवर्नमेंट से के बात ना करते हुए मैं एक पर्सनल एक प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, कि भारत की एक कंपनी दुनिया के सभी देशों को सप्लाई करती है एक वैक्सीन,
एक ही नहीं ऐसी 20 प्रकार की वैक्सीन सप्लाई करती है और 80% इसका एक्सपोर्ट होता है दुनिया के लेवल पे। इन्होंने क्या किया है, इनकी कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि मास प्रोडक्शन जब होगा, स्केल अप होने के बाद, मास प्रोडक्शन होने के बाद दुनिया के सभी देशों को हम एक्सपोर्ट करेंगे। और केवल एक ही जगह नहीं, ये दुनिया में बहुत सारे देशों में इसको भेजते हैं वैक्सीन को, और बहुत सस्ती वैक्सीन बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन की कॉस्टिंग बहुत कम होती है और इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत आसानी से वो लोग इसको उपयोग करते हैं। इन्होंने एक रेशनली डिजाइन किया है वैक्सीन को कोडाजेनिक्स के साथ मिलकर, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसका पूरा फुटप्रिंट जो है ये ग्लोबल है, ग्लोबल लेवल पे काम करती है, स्केल अप करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी वैक्सीन को। और इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर आधार पूनावाला हैं, जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, तो मैं उनका फोटो यहाँ पर लगा के दूंगा। और ये बहुत अच्छा काम है और आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्होंने बोला है सितंबर अक्टूबर के आसपास ये फर्स्ट जो इनका पहली कोशिश रहेगी कि ये उसको लेकर आ जाएं। और आप सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में ये जान लें कि ये बनाते हैं मोर देन 1.5 बिलियन डोजेज ग्लोबली सोल्ड करते हैं इनको और सेल करते हैं इनको, और अभी तक सोल्ड आउट मतलब बेच चुके हैं, दे दिया, बनाकर दे दिया। तो ये 1966 में बनी हुई कंपनी है, मिस्टर साइरस पूनावाला ने इसे बनाया था, और लोग कम जानते हैं क्योंकि इधर लोगों का ध्यान ज्यादा गया नहीं है। तो भाई ये जो वैक्सीन बनेगी इसका प्राइस क्या होगा, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी वैक्सीन कॉस्टली होगी क्योंकि वैक्सीन कॉस्टली रहती है, इसका जो रेट लगभग आएगा वो है, इनकी जो प्लानिंग है वो है 20 to 40 मिलियन वैक्सीन बनाने की, और 1,000 रुपए पर डोज के हिसाब से इनका ये लक्ष्य है, और सितंबर अक्टूबर तक ये आ जाएगी, इस तरह का इनका कहना है। और ग्लोबली ये पूरे वर्ल्ड में इसे भेजते हैं, और एक अच्छी बात है, इंडिया का चांस है टू शो सॉफ्ट पावर, अपना सॉफ्ट हार्टेडनेस दिखाने के लिए दुनिया को। और इफ ऑल गोज वेल इंडिया कैन शो केस इट्स मेडिसिनल पावर टू द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छी बात होगी कि यदि इंडिया इस काम को कर पाया और सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया को इंडिया की एक और अच्छी बात मिलेगी, जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के टाइम में हुआ, तो ये एक अच्छा जियोलॉजिकल लेवल पे बहुत अच्छी बात होगी। एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज होल्डिंग चाइना अकाउंटेबल फॉर कोरोना वायरस पेंडेमिक, तो ऐसे टाइम पे जब चाइना को ग्लोबल लेवल पर कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए अकाउंटेबल कहा गया है, इंडिया विल इमर्ज एज एन एशियन जाइंट दैट एक्चुअली हेल्प द वर्ल्ड इन द डिफिकल्ट टाइम। तो दुनिया के परिदृश्य में एशिया से निकलने वाला एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ी ताकत बनकर भारत उभरेगा, ये एक अच्छी बात है। तो मुझे गर्व है इस बात पर कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और एक अच्छी प्रोसेस है, अच्छा कोशिश है, अच्छा जा रहे हैं हम लोग वर्ल्ड के सिनेरियो पे, बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो आज का ये वाला जो वीडियो था, ये इसका टॉपिक यही था कि कोरोना वायरस वैक्सीन जो है इसका इस क्षेत्र में इंडिया क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, ये बताने के लिए। ऐसे बहुत सारी कंपनियां इस काम पर लगी हुई है, लेकिन जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसका रोल वर्ल्ड लेवल पर है। बाकी सभी कंपनियां हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, उनके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन इसका जो काम है ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम कर रही है और वर्ल्ड वाइड है, तो ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, ये समझ लीजिए। तो हमारी सबकी खुशनसीबी है कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट है, और ये गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट के सपोर्ट से और आगे बढ़े, और गवर्नमेंट इसको और आगे सपोर्ट दे, और ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, ये अच्छी बात है, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और हम सभी वेट कर रहे हैं उस वैक्सीन का जो हमारे यहाँ पर उपयोगी होगी। और इस वैक्सीन की खासियत यह है कि ये वैक्सीन, पहली बात तो मैं बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक कोरोना वायरस नहीं हुआ है, ये उनके लिए नहीं है जिनको कोरोना वायरस हो गया,
ये उनके लिए है जिनको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन नहीं हुए हैं, और 50% से ज्यादा आबादी भारत की अभी लॉकडाउन की कंडीशन में, 50% से ज्यादा आबादी, अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ, 50% से ज्यादा आबादी अभी लॉकडाउन में है। अभी कब तक लॉकडाउन चलेगा या एक्सटेंड होगा ये नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी में हमारी आबादी 135 से 137 करोड़ के बीच में है, और इस इतनी बड़ी आबादी को इतनी मात्रा में वैक्सीन देकर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाएगा, हमारे देश में क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।